दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। दोबारा से जो हमारे पास में गेस्ट हैं वो है शुभांकर डे। तो पुराने वाले जो उनके एक्सपीरियंस थे, इन्होंने उसमें बताया आपको कि भाई किस तरीके से इन्होंने अपनी फोटोग्राफी जर्नी की जो शुरुआत थी वो कैसे की। लेकिन हमने सोचा कि चलो जर्नी तो इन्होंने बता दी, लेकिन उससे पैसा कैसे बनाया उसके ऊपर एक पॉडकास्ट किया जाए। तो बताओ कि भाई जो आपने टिप्स दिए स्टूडेंट्स को या जो लोग फोटोग्राफी में आना चाहते हैं उनको, आपने अपना प्रोफाइल स्टार्ट करने के बाद में उससे पैसा और अर्निंग जो है वो कैसे जनरेट की और वो कहाँ तक गई फिर? देखो, मैं कोई भी काम शुरू करता हूँ ना, तो मैं अपने आप को एक टारगेट देता हूँ। ओके। कि मुझे इतने नंबर्स अचीव करने हैं। ठीक है। जैसे मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बताया था कि भाई मैंने सबसे पहला शूट मैटरनिटी का हम लोगों ने किया था अगस्त 2017। ओके। तो उसके बाद मैंने मेरे अपने आप को मैंने एक टारगेट दिया कि भाई 100 मैटरनिटी शूट होने चाहिए। तो अब मैं 100 मैटरनिटी शूट के लिए काम करने लगा। ओके। फुल फ्लेज हमने 2018 में शुरू किया था। 2018 में हमने किए मंथली 14-15 शूट। ठीक है। जनवरी में, फरवरी में वो थोड़ा इंक्रीज हुआ, 19-20 हो गया। मार्च में और एक फोटोग्राफर ऐड हुए तो वो फिगर हो गया 35, डबल, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डबल। फिर उसके बाद हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। ओके। फिर वो 35 के नीचे कभी हमने शूट नहीं किया टिल कोविड। तो आपने एकदम ना एक सेगमेंट चूज कर लिया कि मैटरनिटी पे पहले फोकस करते हैं, इसी के टारगेट्स को पहले अचीव करते हैं। बिल्कुल। फिर मैटरनिटी ना मेरे लिए एक दरवाजा है, इट्स लाइक अ डोर ओनली। ओके। जब हम लोग एक डोर पे घुसते हैं और काम अच्छा करते हैं, ऑब्वियसली काम अच्छा करेंगे, जब ये मेरा हॉबीज़ है, इस हॉबी को मैं फॉलो कर रहा हूँ, फॉलो करते करते मेरा ये पैशन है, मैं फॉलो कर रहा हूँ, उसको कमर्शलाइज़ किया है, तो मैं इसको बहुत डेडिकेटेडली करता था। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे अचीव किए, मतलब अगर ईयरली 365 डेज होते हैं, हमने मोर देन 365 शूट किए हैं पर ईयर। वन डे वन शूट से ज़्यादा, वन शूट जो एवरेज आया एक। बिल्कुल। करीबन 1.4 का एवरेज था मेरा 2018 में। 2019 में वो बढ़ के हो गया था 1.56। ओके। 1.5 1.6। और 2020 में जो है वो थोड़ा सा डाउन चला गया था बिकॉज ऑफ कोविड। आपको पता ही है कोविड ने सबको परेशान किया, कोविड में तो सब कुछ बंद ही था, ठीक है ना। लेकिन हमने कोविड में भी शूट किया, हमने कोविड में भी क्लाइंट के घर में जाके शूट किया। अब जिनको वो मोमेंट चाहिए कैप्चर करना है तो वो करना है, अगर वो मोमेंट मिस हो गया तो वो उनको नहीं मिलेगा वो मोमेंट कभी। तो हमने 4-5 शूट किए थे कोविड में भी। फिर कोविड ओपन हो गया था, फिर हम लोग दोबारा शूट करने लगे। तो इट वाज अ नाइस जर्नी ओवरऑल। तो क्या कितने मैक्सिमम नंबर्स तक आप लोग गए? जैसे आपने बोला कि जी फर्स्ट 100 की जो एक्साइटमेंट थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो वो टोटल नंबर आपने कितने अचीव किए? देखो होता क्या है, जब हमने 100 नंबर अचीव किया तो हमने 100 मैटरनिटी शूट का एक केक कटिंग करा सेलेब्रिटी क्लाइंट के साथ में। फिर 200 में किया, फिर 300 में किया। तो फिर मेरे माइंड को ना एक मैसेज गया कि नहीं यार, ये हर 100 पे हम एक केक कटिंग करेंगे। और ये चीज़ क्लाइंट को पता होती थी कि भाई वो शूट पे आए और केक कटिंग हो रहा है किस लिए? नहीं नहीं नहीं, ये कभी भी क्लाइंट को नहीं पता होता था। हम लोग कभी स्विगी से ऑर्डर कर रहे हैं, कभी जोमेटो से ऑर्डर कर रहे हैं, और ऑर्डर ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद जो है हम लोगों ने केक मंगाया था और केक कटिंग करते थे हम लोग। 100, 200, 300, 400, 500 हमने बहुत 1,000, 1,500, 2,000 पे भी किए हैं। अब आपको नंबर्स तो पता चली गए। ओके। तो इट्स लाइक कि 2,000 प्लस जी जो थे मैटरनिटी शूट की जर्नी। अभी जो हम लोगों का फिगर चल रहा है दैट इज 2,175 क्रॉस कर चुके हैं हम मैटरनिटी में। काफ़ी अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब इतना डेडिकेशन के साथ में हमने एक एक दिन में 10-10, 11-11 शूट किए हैं। 10 मैटरनिटी शूट एंड 1 एंगेजमेंट शूट। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही आने वाला था कि जी आपने क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ शूट डे में कितने किए हैं? हम लोगों ने एक बार 10 करने वाले थे अकॉर्डिंग टू आर कैलेंडर। ओके। वो 10 होने वाला था, लेकिन हुआ ये कि फोटोग्राफर पहुँचे डेस्टिनेशन में और क्लाइंट पहुँचे ही नहीं हुआ शूट करने। तो वो फिर वो 10 हुआ नहीं था, 9 शूट पे ही रह गए थे हमारा टारगेट। एक दिन में 9 शूट किया था। तो फिर मेरा मैंने मेरे माइंड को मैसेज भेजा, नहीं मुझे 10 शूट करना ही है एक दिन में। ओके।
तो विद इन 1-2 months में हम लोगों ने वो भी अचीव कर लिया कि भाई एक दिन में हमने 11 शूट किए, 10 मैटरनिटी शूट एंड 1 एंगेजमेंट शूट नेहरू प्लेस में। तो ये आपने अकेले किए या कैसे, किस तरीके से? देखो अकेला तो इज नॉट पॉसिबल, अकेला इज नॉट पॉसिबल। मैंने उस दिन 3 शूट किए थे, मेरे एक फोटोग्राफर जो मेन फोटोग्राफर है उन्होंने 5 शूट्स किए थे, मेरे साथ में और एक फोटोग्राफर थे उन्होंने 2-3 शूट किए थे। इट्स लाइक अ टीम वर्क। हाँ, तो ये बिल्कुल टीम वर्क के साथ में था सारा एग्जीक्यूशन। मैं ही देख रहा था कि कौन कहाँ जाएगा, किस शूट के बाद कौन सा शूट होने वाला है, बीच में कितना टाइम गैप रखना है, 15 मिनट्स रखना है, हाफ एन आवर रखना है, कभी कोई क्लाइंट स्लो चलते हैं, कोई क्लाइंट फास्ट होता है, किसी क्लाइंट को रेस्ट की ज़रूरत होती है मैटरनिटी सेगमेंट में, तो वो सारा कैलकुलेशन मैं करके करते थे हम लोग। नहीं तो फिर आपके पास में कितने टीम थी जो इस तरीके के जो नंबर्स को अचीव करने के लिए तो टीम चाहिए, एक अकेला पर्सन कितना कर सकता है? देखो अगर पर्टिकुलर उस दिन की मैं बात करूं तो मैं और मेरे असिस्टेंट एक टीम, एक दूसरा फोटोग्राफर एंड असिस्टेंट और एक तीसरा मेन फोटोग्राफर, तो ये करीबन 5 लोगों की टीम हो गई। और जब एंगेजमेंट शूट हमने किया तो वहाँ तो 4 लोगों की टीम थी ही थी। ओके। तो इसमें अभी बीच में आपने एक पॉइंट बोला था कि जी हमारा टारगेट कंप्लीट होने वाला था 10 शूट्स का, लेकिन जो एक क्लाइंट है पहुँचे नहीं, तो उसका क्या कुछ स्टोरी रहा, नहीं पहुँचे, क्या हुआ उस दिन एक्जैक्ट? देखो मैं आपको बताता हूँ, शुरू शुरू में ना हम लोग एडवांस बुकिंग अमाउंट नहीं लेते थे। ओके। तो क्लाइंट से बात हो जाती थी व्हाट्सएप पे, हाय हेलो पैकेज क्या दे रहे हैं क्या ले रहे हैं। मैं बहुत हेजिटेट करता था कि यार कोई कस्टमर मुझे 500 रुपये एडवांस में क्यों देगा, मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे सामने वाला 500 रुपये देगा, तो मैं नहीं मांगता था शुरू शुरू में। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है करीबन 15-20 शूट या 50 शूट्स के लिए हमने मांगे ही नहीं पैसे। ओके, विदाउट बुकिंग अमाउंट। विदाउट बुकिंग अमाउंट हम लोग ब्लैंक जाते थे और वहाँ पे जाके क्लाइंट आते थे, शूट करते थे। कोई क्लाइंट नहीं आएगा तो नहीं आएगा, वो हमारा नुकसान है। तो मतलब 100% सामने वाले के ऊपर ट्रस्ट है कि वो आ जाए तो अच्छा बात है। बिल्कुल बिल्कुल, सामने वाले के ऊपर ट्रस्ट करके हम करते थे शूट। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मैंने पैटर्न चेंज किया, मैंने कहा नहीं अब ये फ़िल्टर लगाओ कि भाई 500 रुपये कम से कम तो दो ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ फोटोग्राफर भी जाएगा और क्लाइंट भी आएगा 500 रुपये के चक्कर में। बिल्कुल। खैर अब तो वो पैटर्न पूरा ही चेंज हो गया, अब तो 5,000, 7,000, 10,000 बुकिंग अमाउंट चलता है, 500 रुपीज़ का जमाना गया। हाँ, तो वन से जो 2000 तक पहुँचने की जो जर्नी थी वो क्वालिटी के साथ साथ में उसमें टर्म्स में भी चेंजेस हो गए। उसमें टर्म्स में चेंजेस हो गए। अब एक्चुअली क्या होता है, मैं सारा एग्जीक्यूशन देखता हूँ। सारा एग्जीक्यूशन देखने का मतलब है डेटा मेरे बैक ऑफिस टीम के पास पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है। बिल्कुल। बैक ऑफिस टीम में एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन थी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वेरी नेक्स्ट डे वो आए और लास्ट वर्किंग डे का स्टेटस चेक करे कि कितने शूट हमने किए हैं, कितने शूट का कौन कौन सा डेटा किस किस फोटोग्राफर के पास है, वो व्हाट्सएप पे वो आया है या नहीं आया है। सारा डेटा जो है हमारे सिस्टम पे स्टोर होता था, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्टिकुलर एक ही पर्सन की थी कि उसी को डेटा कॉपी करना है, उसी को डेटा कस्टमर को शेयर करना है। ओके। तो जैसे आपने इतने सारे शूट्स किए हैं तो एक मेरे माइंड में क्वेश्चन है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई भी एक ऐसा रैंडम क्लाइंट की स्टोरी बताओ जो एकदम सबसे पहले आपके माइंड में आती हो, तो वो आप कौन सी बताओगे कि किस तरीके का एक्सपीरियंस था उनके साथ? देखो मेरे पास बहुत तरीके के एक्सपीरियंस है। ओके। मेरे पास फ्री कस्टमर का एक्सपीरियंस है। ओके। कि जो आए जिन्होंने कहा कि सर मेरे पास ना पैसे नहीं है, मैंने कहा ठीक है सर पैसे नहीं है कोई बात नहीं, आप इस दिन इस समय आ जाना, हम आपको 5-10 फोटो क्लिक करके दे देंगे। तो फ्री शूट्स भी आप लोगों ने कर दिए? हम लोग फ्री करके दे देंगे, कोई इशू नहीं है, हम लोग एडिट भी कर देंगे 4-5 फोटोज में से, कोई इशू नहीं है। ओके। वैसे क्लाइंट हमने मेरे ख्याल से 2-3 किए थे। ओके। एक क्लाइंट आए थे बाइक में अपनी प्रेग्नेंट लेडी को लेके, उनके पास पैसे नहीं थे लेकिन हमने कर दिया था शूट। एक क्लाइंट CA थे वो। ओके। अब मैं एकदम से पूरी डिस्क्लोज नहीं कर सकता नाम फोन नंबर डिटेल, ट्रू वो तो है, लेकिन जब बातचीत करते हैं पता चलता है, तो वो CA थे। okay. उनको भी मैंने सेम ऑफर दिया था, मैंने कहा सर देखो आप बार्गेनिंग कर रहे हो, मेरे पास बार्गेनिंग का कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि मैं बार्गेनिंग नहीं पसंद करता हूँ, आपको जो समझ में आए दे देना, आपको 10 फोटो क्लिक करके दे देंगे, ठीक है मैं मेरी वाइफ और मेरी बेटी आएंगी और वो करके दे देंगे। मैं ठीक है सर नो प्रॉब्लम। जब मैंने शूट किया था स्पेशली मुझे याद है, उसके बाद भी इंसिडेंट हैं उसके साथ, तो हुआ ये कि उन्होंने 1,000 रुपीज़ दिए। ओके। 1,000 रुपीज़ दिए, मैंने 1,000 रुपीज़ लिया, कहते कम तो नहीं हुए, मैंने नहीं नहीं सर जो आपने सही सोचा वही आपने दिया ना,
आपने सही सोच के दिया, मैंने 1000 रुपीज रख लिए। उसके बाद उन्होंने अपने ब्रदर का प्री वेडिंग शूट करवाया मेरे से, ओके, फुल पेमेंट, प्रीमियम पेमेंट दिया उन्होंने। उसके बाद उन्हीं ब्रदर का हमने वेडिंग किया, ओके, फुल प्रीमियम पेमेंट, कोई इशू नहीं है। अब देखो 1000 रुपीज को मैंने मना नहीं किया, तो 1000 रुपीज के चक्कर में मेरे पास ट्रस्ट बिल्ट हो गया वहां पे ना उनके साथ, मेरे पास बिगर प्रोजेक्ट्स भी आए उनके रेफरेंस से। तो मैं ऐसा नहीं कि मना, आज भी अगर कोई आता है कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, तो हम लोग अपना कैलेंडर देखते हैं, ओके, ठीक है, इस दिन यहाँ शूट है। कस्टमर को हम बोल देते हैं कि सर इस दिन इतने बजे आपको आना है, आपका शूट हो जाएगा फ्री में, नो प्रॉब्लम, पैसे नहीं है, शेड्यूल के साथ में उनको करके और फिर चीजें एग्जीक्यूट करके देते हैं, कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा बॉन्ड बन गया क्लाइंट के साथ के उसने 1000 रुपये का काम कराने के बाद में फिर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को आपको, फिर दो तीन प्रोजेक्ट्स हमने किया उनका। फिर और एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि मैं नोएडा से ट्रैवल करके गुड़गांव जा रहा था, okay, एक शूट के लिए, मैटरनिटी शूट के लिए। 2 घंटे पहले मैंने क्लाइंट को बोल दिया था, सर को बोल दिया था कि सर मैं ना इतने बजे पहुंचूंगा, ठीक है। तो इट वाज लाइक अगर मैंने 4 बजे का टाइम दिया तो मैं 4:45 पे पहुंचूंगा, मैंने उनको बोल दिया था पहले ही 2 घंटे पहले। अगर 4 बजे का शूट है, मैंने उनको 3 बजे से पहले बोल दिया था कि मैं 4:45 पहुंचूंगा। क्लाइंट पहुंच गए 4 बजे 4:15, ओके, उसके बाद वो प्रेग्नेंट लेडी, पेशेंस ख़त्म है उनकी। मैं पहुंचा, मेरे ऊपर बरस पड़े, मैंने कहा मैम आप जो बोल रहे हैं वो अपने हिसाब से सही बोल रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से गलत बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने सर को इन्फॉर्म कर दिया था, नहीं 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 आपको समझना चाहिए था, ये प्रेग्नेंट लेडी कैसे वेट करवा सकते हो वैसे वैसे। मैंने कहा मैम इसीलिए इन्फॉर्म किया था 3 बजे से पहले कि आपको 4:45 पहुंचना है, ताकि आप लोग वेट ना करें, ओके, यही अगर आप करते तो मैं इस तरीके से शाउट आउट नहीं कर सकता था आपके ऊपर, मेरे अंदर राइट्स ही नहीं है, मेरे ऊपर राइट्स ही नहीं है कोई कि मैं आपके ऊपर शाउट आउट करूं। अगर आप 45 मिनट्स लेट आ रहे हैं तो मैं आपको चिल्ला सकता हूं आपके ऊपर, नहीं कर सकता ना। तो आप सोचिए आप क्या कर रहे हैं। फिर खैर ठीक है, हमारा शूट हो गया, हो गई, फोटोज दे दिए, फ्रेम दे दिए, सॉर्टेड हो गया। सी ये 100 में से 1 क्लाइंट ऐसा मिल जाता है हमें, बिल्कुल, जो ना एडजस्ट कर सकते हैं, जो ना समझना चाहते हैं सामने वाले की सिचुएशन क्या है। भाई हम भी तो समझ रहे हैं ना, सामने वाले के पास पैसे नहीं है, वो CA होके 1000 रुपये दे के जा रहा है, तो पैसे नहीं है ना इसका मतलब, तो हम समझ रहे हैं, हम कर रहे हैं उस पर एडजस्ट कर रहे हैं, तो ये सामने वाले को सोचना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए। नहीं तो जैसे अभी आप उस दिन लेट हुए शूट पे, तो कभी ऐसा भी हो गया क्लाइंट लेट हो गए या कुछ इस तरीके का कुछ स्टोरी? 80% क्लाइंट बिकम्स लेट, ओके, 80%। अब 80% आप मान लो मेरे 3000 क्लाइंट हैं, तो 3000 का 80% आप निकाल लो, उतने क्लाइंट लेट आए हैं हमारे पास, ओके, कोई 15 मिनट, कोई 20 मिनट, कोई 30 मिनट, कोई 1 घंटा, कोई 2 घंटा, 2 घंटे फोटोग्राफर मुझे कहते हैं भैया वो क्लाइंट तो आए नहीं। मैंने कहा 2 घंटे हो गए यार, शूट ख़त्म होने थे, तो काम करो, कैंसिल कर दो शूट, ओके। मैंने ऑन द स्पॉट शूट कैंसिल भी करवाए हैं। क्लाइंट वहाँ से बोल, नहीं नहीं, नहीं भैया हम तो निकल गए, हम पहुँचने वाले हैं 15 मिनट। मैंने कहा सर फोटोग्राफर निकल चुका वहाँ से, 2 घंटा वेट करके वो निकल चुका है, अब तो ही ना रहेगा वो, अब नेक्स्ट डे प्लान करेंगे। नहीं 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 भैया आज ही करना है, नहीं तो और नहीं होगा, डिलीवरी हो जाएगी। मैंने सर ये आपको देखना है ना कैसे करना है, आप बताओ कैसे करना है। नहीं नहीं करवा दो आज ही करवा दो, ठीक है करवाते थे हम तो। 80% क्लाइंट वार लेट, मतलब मुझे समझ नहीं आता क्लाइंट को लेट क्यों करना है। बिल्कुल, तो लाइक जैसे पहले वाले हमारे पॉडकास्ट में था कि जी आपने बोला था पेशेंस, तो वो पेशेंस जो है वो कंटिन्यू चल रहा है, पेशेंस फोटोग्राफी के साथ, अब तो आ गया सीधा प्रेग्नेंट लेडी के साथ में, क्योंकि वहाँ तो बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स और वो सारी चीज़ें होती हैं। प्रेग्नेंट लेडी के साथ में तो एक अलग तरीके का टेम्परामेंट होता है, आप उस टेम्परामेंट को अगर आपने होल्ड कर लिया, संभाल लिया, तो आप पेशेंस के गुरु बन गए, ओके। मेरा एक इंटरव्यू हुआ था द ट्रिब्यून चंडीगढ़ में, ओके, ऑन कॉल इंटरव्यू था, उस पे वो जर्नलिस्ट जो थी उन्होंने पूछा था कि आप किस तरीके से टेम्परामेंट को हैंडल करते हो, ओके, वो टेम्परामेंट हैंडल करने का इंस्पिरेशन कहाँ से आता है आपको, आप कहीं से ट्रेनिंग लेते हो क्या वो टेम्परामेंट हैंडल करने का, पेशेंस हैंडल करने का। मैंने कहा नहीं, ये डे टू डे बेसिस में जैसे जैसे हम क्लाइंट को फेस करते हैं ना, वैसे वैसे चीज़ें दिखती हैं और उसी तरीके से हमें रिएक्ट करना पड़ता है। कुछ कस्टमर होते हैं बिल्कुल, मतलब इतना ही कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते,
बिल्कुल भी पेशेंस शो नहीं करते okay. उनके साथ में थोड़ा सा उस हिसाब से बिहेव करना पड़ता है, लॉजिकल चीज़ें बतानी पड़ती है, कुछ है जो समझने के लिए तैयार नहीं होते, ठीक है कोई बात नहीं, दैट्स अ पार्ट ऑफ जॉब, मतलब वो 1%, अगर मैं 1% मान के चलूँ वो 20-30 क्लाइंट ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे। तो बहुत ही एकदम हसल जिसको बोलते हैं उस तरीके का लाइफ है और क्लाइंट डीलिंग है, उस बहुत सारी चीज़ें देखो मैटरनिटी सेगमेंट, न्यू बॉर्न सेगमेंट, ये दोनों सेगमेंट जो है ना बहुत पेशेंस के साथ में हैंडल करना है। मुझे नहीं पता आजकल के जो यंगस्टर हैं वो जो 2-3 हज़ार रुपये में जो काम कर रहे हैं वो किस तरीके से करोड़ रुपए तक पहुंचेंगे मुझे नहीं पता। ओके वो करोड़ रुपए जो कमाना है उनको वो कैसे पहुंचेंगे, 2000 रुपए लेके करोड़ रुपए पहुंचेंगे मुझे तो नहीं लगता। तो पर डे 2000 रुपए कमाएंगे तो करोड़ तक पहुंचेंगे तो बहुत सारे इयर्स जमाना लग जाएगा वो मतलब 40-50 साल हो जाएगा उसका, तब भी नहीं कमा पाएगा वो। तो आपकी जर्नी कैसे रही कि आपने देखिए मैटरनिटी तो आपने एक सेगमेंट बता दिया, तो बाकी के और भी सेगमेंट्स थे आपके? देखो मैटरनिटी से हमारे पास आते हैं क्रेडल सेरेमनी, ओके, बेबी वेलकम सेरेमनी, हॉस्पिटल शूट, ओके, हॉस्पिटल वेलकम शूट, ठीक है बेबी वेलकम, फिर आता है न्यूबॉर्न शूट, फिर आता है 6 मंथ शूट, कुछ कस्टमर करते हैं मुझे मंथली बेबी के प्रोग्रेस शूट करने हैं घर पे वो कर दो, फिर उसके बाद आते हैं प्री बर्थडे फ़ोटोशूट, फिर आते हैं प्री बर्थडे के बाद बर्थडे फ़ोटोशूट फर्स्ट ईयर, क्योंकि फर्स्ट ईयर तक तो सब लोग साथ में रहते हैं। बिल्कुल, हमने जितनों का भी मैटरनिटी शूट किया है उनका हमने फर्स्ट ईयर बर्थडे तक गए हम। तो इट्स लाइक चेन कि भाई एक बार एक बॉन्ड बिल्ट अप हो गया तो वो आपको चेन में वर्क आ सकता है। शुरुआती ईयर में ऐसा नहीं था लेकिन 2019 के बाद वैसा हो गया था okay. क्योंकि 2001 में मेरे पास न्यूबॉर्न शूट नहीं आए, 2018 में नहीं आए, लेकिन 2019 में न्यूबॉर्न शूट आने लगे क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस हो गया 1 ईयर का okay. 1 ईयर में हमने न्यूबॉर्न शूट भी कर लिए, सामने वाले को भी ट्रस्ट हो गया। बिल्कुल, खैर अब तो फिगर बहुत अलग हैं, मोर देन 500 न्यूबॉर्न शूट, मोर देन 500 अपना बर्थडे इवेंट, मोर देन 500 प्री बर्थडे शूट, मोर देन 2100 मैटरनिटी शूट, मोर देन 100 प्री वेडिंग शूट, मोर देन 50 वेडिंग शूट। ओके, तो क्लाइंट्स को लाने के लिए कुछ क्विक टिप्स आप दे सकते हैं जो न्यू कमर्स हैं वो किस तरीके से क्लाइंट्स को ग्रैब कर सकते हैं? इतनी जल्दी तो क्लाइंट ग्रैबिंग नहीं होती। ओके आज के डेट में क्लाइंट ग्रैबिंग का मतलब होता है आपको इंस्टाग्राम में अपडेट करना, आपके पास प्रोफाइल होना चाहिए ना, पोर्टफोलियो प्रॉपर होना चाहिए, वेबसाइट होना चाहिए प्रॉपर, इंस्टाग्राम होना चाहिए, यूट्यूब होना चाहिए, ये सब चीज़ें होगा तो क्लाइंट को देख के फर्स्ट ग्लांस में ही बिलीव हो जाएगा कि हाँ सामने वाला काम कर सकता है। लेकिन जो पहला शूट है वो कहाँ से आए फिर? देखो दिखाने के लिए भी तो चाहिए, उस पे तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। एकदम अगर बंदा फ्रेशर है तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आप जैसे मैंने शुरू किया था कि भाई कोई भी बुकिंग अमाउंट ना लेके हम चले जाते थे शूट करने। बिल्कुल, लेकिन वो चीज़ें करेंगे तो होगा, धीरे धीरे ही होगा आपको, या तो आप अपने राउंड अबाउट में कोई ढूंढो जिनके साथ आप पोर्टफोलियो अपना बना सको। बिल्कुल बिल्कुल। तो और जो मैटरनिटी और जो बेबी शूट है उसके लिए कुछ अलग से टिप्स या ट्रिक्स कि वो लोग किस तरीके से उसको स्टार्ट करें या किस तरीके से एग्जीक्यूट करें, क्योंकि तो एक तो ये बहुत ही अलग तरीके के सेगमेंट हो गया, आपने बोला कि बहुत ज़्यादा इसमें पेशेंस चाहिए और जो चीज़ें हैं वो बहुत डिफरेंट चलती हैं। देखो इसमें ना मैम का जो प्रेग्नेंट लेडी है उनका टेम्परमेंट, उनका पेशेंस, उनके मूड स्विंग, ये सब चीज़ें अगर हैंडल हो जाता है तो वो इंसान, वो फोटोग्राफर उस पर्टिकुलर सेगमेंट पे काम कर सकता okay. है। अगर ये चीज़ें नहीं कर सकता है तो वो उस पर्टिकुलर सेगमेंट पे काम नहीं कर पाएगा, उसको वेडिंग ही करना है, 4-5 घंटा वेडिंग में रहेगा, आराम से उसको 5-7-10 हज़ार रुपये मिल जाएंगे, सॉर्टेड लाइफ, डेटा कॉपी करवाया सॉर्टेड। लेकिन प्रेगनेंसी शूट, प्री बर्थडे शूट, न्यू बॉर्न शूट, इनमें ना पूरा होल्ड करके रखना पड़ता है कस्टमर को कि भाई आप होल्ड करके रखो, काम दो, काम लो, पैसे दो, एडिटिंग करवाओ, फॉलो अप करवाओ, मतलब मैटरनिटी न्यू बॉर्न में ना 3-4 लोगों की टीम चाहिए तब जाके होगा प्रॉपरली अच्छे से। अच्छा, वरना तो आप फिर वही हफ्ते में 2 काम करोगे, 2 के खुद ही एडिटिंग किया, खुद ही फॉलो अप किया, आप बिजी हो, क्लाइंट फ़ोन कर रहा है, आप क्लाइंट को बोल रहे हो जी मैं बिज़ी हूँ मैं बाद में बात करूँगा, पता चला 1 दिन बाद आप फ़ोन कर रहे हो, वो चीज़ें डिले होती है, मिसकम्युनिकेशन होता है, वो चीज़ें क्रिएट हो जाता है। नहीं तो इसमें जैसे 2 चीज़ें हो गई कि जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी प्लस टू किया है वो इस फील्ड में आए, फिर या तो वो टाइम दें उनके लिए बेटर है, या कोई अपनी जॉब कर रहा है उसको एकदम छोड़ के और फिर इस काम को स्टार्ट कर। देखो मेरे हिसाब से ना क्या होना चाहिए,
पाँच दिन फोटोग्राफर अपना रेगुलर काम करना चाहिए, सैटरडे संडे शूट करना चाहिए। क्योंकि हर जगह जो कॉरपोरेट के लोग हैं वही लोग काम करते हैं, वही लोग फोटोग्राफी करवाएंगे। उनको सैटरडे संडे ही शूट करना होता है। हम लोगों के सैटरडे संडे ही मैक्सिमम बिजी रहते थे। शुरुआती दिनों में तो सैटरडे संडे बिजी होते थे, 2020 से हम लोग एवरीडे बिजी होता था, वर्क फ्रॉम के चक्कर में। हाँ, कभी कुछ कभी कुछ, कभी किसी का शूट कभी किसी का शूट, तो वो उस हिसाब से। लेकिन पाँच दिन अपना रेगुलर काम करो जॉब, और दो दिन अपना पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग करते रहो, कोई इशू नहीं है। जब तक कि आपके पास में उतना ज़्यादा कंसिस्टेंसी ना बन जाए कि भाई क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा हैं, बिल्कुल, और आप जॉब से ज़्यादा अर्न कर पा रहे हो, एक साथ स्विच नहीं कर सकते आप। नहीं, एक साथ स्विच तो बहुत डेंजरस हो जाएगा। ओके, बहुत ही डेंजरस हो जाएगा। काम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। नहीं तो काम को किस तरीके से वो एग्जीक्यूशन में लाएं, किस तरीके से लीड्स जनरेट करें, इसके लिए कुछ और ट्रिप्स, और अपना किस तरीके से रेवेन्यू को जनरेट करें। देखो, लीड जनरेशन करने का ना सबसे इजी तरीका है गूगल, फेसबुक। ओके, लेकिन उसके लिए चाहिए नॉलेज। प्रोफाइल भी चाहिए। प्रोफाइल भी चाहिए, बिल्कुल। अगर प्रमोशन करने के लिए नॉलेज नहीं है तो आप गूगल और फेसबुक को और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज़्यादा पैसा दोगे। पता चला जो काम 1,000 रुपये में हो सकता था उस काम के लिए आप 1,500 रुपये दे रहे हो, क्योंकि आपने कुछ चीज़ें कर रखी है सेटिंग में, वो सेटिंग अगर प्रॉपर नहीं है तो आप गूगल फेसबुक को ज़्यादा पैसा दोगे। गूगल बिजनेस लिस्टिंग है, उस पर भी से भी काम आ सकता है, लेकिन वो लोकल के काम आएंगे। आप यहाँ नोएडा में बैठे हो, नोएडा से बैठे बैठे गुड़गांव का काम नहीं आएगा। आप दिल्ली में बैठे हो, दिल्ली से बैठे बैठे आपको नोएडा का काम नहीं आएगा, सिर्फ दिल्ली दिल्ली का ही आएगा, वो भी लोकेलिटी में 4-5-10 किलोमीटर रेडियस में। तो आपको ये टीम चाहिए ही चाहिए, नहीं तो आप ज़्यादा काम नहीं कर पाओगे। आप 40-50-60-70 शूट नहीं कर पाओगे मंथली, आप 10 ही शूट करोगे, 10 शूट में आपको 30-40-50 हज़ार रुपये ही मिलेंगे। तो इट्स लाइक कि ऐसा नहीं है कि अगले दिन उठे और उठते ही बोला कि मुझे फोटोग्राफी करनी है और बस स्टार्ट कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं। वेरियस नॉलेज उसको चाहिए, अलग अलग फील्ड की, अलग अलग तरीके की, पेशेंस की, और टेक्निकल भी नॉलेज उसको चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और आपका जो रेवेन्यू था फिर, वो आप कैसे मैनेज करते थे? रेवेन्यू मतलब? रेवेन्यू मतलब कि आप कहाँ तक गए, आपने मैक्सिमम कितने बिग फिश अर्निंग की? देखो, अगर मैं टोटल अपनी कमाई की बात करूँ, मैंने कैलकुलेट किया है, मुझे लगता है आई हैव क्रॉस 3 crore। ओके, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो तो सोच जानना चाहेंगे ना कि भाई मिनिमम क्या हो सकता है, किसी भी चीज़ का मैक्सिमम क्या हो सकता है। मैंने 3 crore से ऊपर क्रॉस कर दिया है विद इन 2018 टू नाउ। ओके, अबाउट 6 years। तो 6 years में ये मोर देन 3 crore हो गया होगा, मैं तो कमी फिगर बता रहा हूँ। हो सकता है ये 4 crore क्रॉस कर जाए। ओके, तो 4 crore अगर हो गया है, उसमें आपका सेविंग कितना था? मैं इसमें ज़्यादा क्यूरियस हूँ। नहीं देखो, वो बहुत गलत क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ही गलत है कि 4 crore में सेविंग कितना है। क्योंकि 4 crore अगर कोई भी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, और जिस तरीके से आपने प्रोसेस बताया, तो उसमें तो खर्चा भी लगता होगा ना। देखो, इसमें खर्चे होते हैं 75%। ओके, 25% जो अमाउंट बचता है उसी में से आपको घूमना है, आपको अपने खर्चे करने हैं और सारी चीज़ें करना है। तो यही कैच है। Okay. आप बहुत पैसे कमा सकते हो, लेकिन खर्चे उतने ही ज़्यादा हैं इसमें। आपको हर बार, हर 6 महीने में आपको इक्विपमेंट अपडेट करने हैं। yes. आपको पैसे खर्च करने हैं उसमें। 4 lakh की बॉडी है जी, 2-3 साल बाद वो पुराना हो गया, अब दोबारा 3 lakh की बॉडी ले लो। लेंस हो गया, IS-1 चल रहा था जी, IS-2 ले लो, IS-3 ले लो। लेंस लिया था पहले 1.5 lakh का, डेली टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। जैसे हर साल में आईफोन लवर्स आईफोन चेंज करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे टेक्नोलॉजी चेंज होता है, तो आपको अपग्रेडेड इक्विपमेंट्स लेने ही पड़ेंगे। तो जो आप बता रहे हो कि आपने 4 crore किया और उसमें 75% आपके खर्चे थे। बिल्कुल। तो अगर मैं छोटी सी चीज़ लेके चलूँ कि जो लोग 2,000 रुपये पर डे वर्क कर रहे हैं, वो किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे वो। 2,000 रुपये में उनका 400-500 रुपये का आना जाना खाना पीना होगा। जो 1,500 रुपये बचेंगे वो भी वो कहीं उड़ा देंगे, खर्च कर देंगे। 1,000 रुपये में अगर 1,000 रुपये बचता है तो पूरे महीने में 30,000 रुपये बचते हैं। ओके, वो उस 30,000 रुपये से कैसे सर्वाइव करेंगे, कितने टाइम तक सर्वाइव करेंगे, कितना पैसा बचाएंगे दोबारा 2-3 lakh का कैमरा लेने के लिए, मुझे नहीं आता। लॉन्ग टर्म वो जा सकते हैं फिर? बिल्कुल, वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं जा सकते।
तो फॉर लॉन्ग टर्म जाने के लिए आपको प्रॉपर नॉलेज, टीम के साथ बिल्डअप, सैलरी और वो सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी होंगी, करनी ही पड़ेंगी। तो एक कुछ फाइनल एक टिप दीजिए आपकी, भाई इसको परमानेंट कोई भी चूज करे या ना करे, क्योंकि अभी तो असमंजस में हो गया। नहीं नहीं देखो कि बहुत ज़्यादा कमाई भी है लेकिन खर्चे भी तो ज़्यादा है। मैं बताता हूँ आपको, ये जो फील्ड है ये फ्रीलांसरों का फील्ड है, इस पे 90% पीपल आर फ्रीलांसर, 10% पीपल आर जो एजेंसी चलाते हैं। बिल्कुल, वही 10% लोग जो हैं सस्टेन कर रहे हैं। फ्रीलांसर हर रोज पैदा होंगे, हर रोज जाएंगे, जिनकी उम्र हो जाएगी 45 क्रॉस हो गई जी, खत्म, रिटायरमेंट हो गया उनका, नए लोग आ रहे हैं, तो 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल के लोग आएंगे। लेकिन इस फील्ड में नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बताया जो 18-19 साल का लड़का आ रहा है और जो 28-30 साल पे है, नॉलेज में डिफरेंस है। तो क्या लोग 28-29 में आके भी वर्क को छोड़ रहे हैं, स्विच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं, कर सकते हैं वो लोग, स्विच कर सकते हैं। इसमें सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है, कस्टमर को एक्सपीरियंस गलत मिलता है। ओके, इसमें कस्टमर को एक्सपीरियंस गलत मिलता है। मैं दूसरे पॉडकास्ट में बताऊंगा कि जो मेरे कस्टमर के एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, जो नए फ्रेशर लोगों से काम करवाते हैं, वो किस तरीके से होते हैं। ठीक है, चले तो इस पॉडकास्ट को फिर यहीं फिनिश करते हैं और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट में आपने जाना कि भाई जो मैक्सिमम कमाई है आपकी फोटोग्राफी से, वो आपकी CRs तक भी जा सकती है, लेकिन लोग 2000 से भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो आपको चूज़ करना है कि आपके लिए क्या बेस्ट है और आप किस तरीके से अपने आप को इसमें लेके आ सकते हैं फोटोग्राफी में, राइट? बिल्कुल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक लिए टेक केयर, बाय।